बहुत खुशी है यार, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए इंडस्ट्री में, और मुझे 2 बार पहले भी अप्रोच हुआ हूँ मैं, बट बिकॉज मेरे और काम चल रहे थे तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और इस बार लकीली मेरा शो जो मैं कर रहा था साथ निभाना साथी है, वो अगस्त में ऑफ एयर हुआ, और उसके बाद मुझे कॉल आया एंड आई वॉज लाइक ओके लेट्स गो। एंड वो बोलते ना मौके पे चौका हो गया, एंड तो मिल गया। एंड आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रहा था करना। तो मैंने मैंने पिछले कुछ सीजन भी देखे थे, 2-3 सीजन्स मैंने देखे थे, छोटे छोटे बिट्स में देखे थे। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्सप्लोर कि क्या होगा अंदर जाके, मैं कैसा रिएक्ट करूँगा, हाउ विल आई प्ले, बिकॉज़ मैं करता रहता हूँ अपने आप को डिटॉक्स, मैं अपने आप को चीज़ें करता रहता हूँ। तो आई थिंक ये मेरे लिए एक डिटॉक्स है 3 महीने का, कि ये सोशल मीडिया और ये दुनिया से थोड़ा सा अलग होके कैसा मैं रिएक्ट करूँगा। तो या दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड। बात करूं तीसरी बार आपको अप्रोच किया है, थर्ड टाइम आपने हाँ बोला, इस बार कोई बड़ी वजह थी जिसके लिए आपने हाँ बोला कि लाइक कोई ऐसी वजह जो आपको हाँ बोला? आई थिंक ऐसी कोई स्पेसिफिक वजह नहीं थी, क्योंकि मैं मुझे करना था, बट बिकॉज मेरे शोज चल रहे थे तो मेरे को इस वजह से टाइम नहीं मिला, डेट्स का इशू था। और इस बार ऐसे सर कि लकीली मेरा शो ऑफ एयर हुआ अगस्त में, और उसके बाद मुझे इनका कॉल आया एंड आई वॉज लाइक वाई नॉट। फिर भी मैं थोड़ा कश्मकश में था, बिकॉज एक दो प्रोजेक्ट और थे। फिर मैं था करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, फिर फाइनली आई वॉज लाइक कर लेते हैं यार, एक्सपीरियंस करना ही है, अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर पता नहीं कहीं और बिजी होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो आई वॉज लाइक कर लेते हैं 3 महीने, बाकी काम तो बाहर आके भी कर लेंगे। मतलब किस तरह की तैयारी आपने की है, क्योंकि काफ़ी सारे कंटेस्टेंट वेल प्रिपेयर्ड जाते हैं, उस घर में काफ़ी कुछ होता है, उस घर में झगड़ा होता है, नोक झोंक होती है, प्यार होती है, मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है, आपने किस तरह की प्रिपरेशन की है? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना रियल रहोगे आई थिंक उतना आगे तक जाओगे। और ज़िंदगी ने ऑलरेडी बहुत कुछ प्रिपेयर करवा दिया यार इतने सालों में, और इतनी दुनिया देखी है। आई स्टडीड साइकोलॉजी, मास्टर्स की मैंने साइकोलॉजी में, आई यूज़ टू हैंडल पीपल देयर माइंड। तो आई थिंक लाइफ ने बहुत रेडी कर दिया, आई थिंक शायद इसी दिन के लिए रेडी किया होगा। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ आई वॉन्ट टू गो इन साइड, नथिंग स्पेसिफिक प्रिपरेशन कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, मैं किसी को कॉपी नहीं करूँगा, मैं किसी की स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करूँगा, ना ही मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है। आई विल गो विद द फ्लो, और देखते हैं चीज़ें कैसे रिएक्ट होंगी, कैसा होगा। आपके शो की मैं बात करूँ साथ ही बस आप साथ दिया, उस शो से किसको, कौन से ऐसे फ्रेंड है जिसको आप घर पे लेके जाना चाहोगे? मैं एक्चुअली अपने किसी दोस्त को नहीं लेके जाना चाहूँगा, ना शो से ना बाहर से, बिकॉज द रीज़न इज़ कि अगर आप किसी दोस्त को साथ लेके जाते हो तो आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक कंफर्ट लेवल वहाँ पे हो जाता है, तो आप गेम पे फोकस नहीं कर पाओगे। अभी भी यहाँ पे इंडस्ट्री के बहुत लोग होंगे जिन्हें मैं जानता हूँगा, बट नॉट वेरी रेगुलर टच। तो आई थिंक दैट विल हेल्प मी टू फोकस मोर ऑन माई गेम, और मेरे जो मेरा लक्ष्य है ट्रॉफी जीतना, उस पर ज़्यादा फोकस होगा, और उसी हिसाब से मैं अपने आप को प्ले आउट कर पाऊँगा, ताकि मुझे किसी से मैं बंधूंगा नहीं, ना किसी के साथ मेरा कंफर्ट होगा, तो मैं वो नहीं बनाऊंगा आई थिंक। तो मैं बात करूँ, कैप्टन टास्क एक होता है जो पहला कप्तान बनता है, उसको पहली बार वो रूम में जाने मिलता है, इस बार काफी शानदार वो कमरा सजाया है जो कप्तान, तो आपने ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको लगती है जो आपको फर्स्ट कैप्टन बनाएगी घर का? फर्स्ट कैप्टन बनाएंगी, देखो कैप्टन तो मैं बनूंगा, ये तो गारंटी है। अब फर्स्ट बनूंगा या सेकंड बनूंगा ये मुझे नहीं पता, बट बनूंगा ज़रूर। और इस बार मैंने भी थोड़ा से जो प्रोमोज में दिखी हैं चीज़ें, और कल सलमान सर का भी मैंने वो जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रहा था मैंने देखा, जो बिग बॉस बोले कि मैं गेम खेलूंगा और वो सब होगा, तो थोड़ी सा डर हो गया, नर्वसनेस होगी कि इस बार क्या होने वाला है, कुछ तो अलग होने वाला है इस बार। और अगर मौका मिला तो आई थिंक कैप्टन ज़रूर बनेंगे। और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वाइज की आई थिंक, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था स्टेट लेवल, और तो मैं उसमें भी क्रिकेट कैप्टन बना था। आई थिंक बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ माई हार्डवर्क एंड रियलिज्म, आई थिंक पीपल लाइक मी मोर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसलिए लोग मुझे चुनेंगे, कि अगर मैं किसी के साथ लड़की के साथ हूँ तो मैं वैसे ही बात करूँगा, मैं दोस्त के साथ हूँ तो मैं वैसे ही बात करूँगा, तो मैं वैसा अपने आप को ढाल लेता हूँ। बोलते हैं यू बी लाइक वाटर एंड यू जस्ट कीप फ्लोइंग। या सलमान सर के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जब वीकेंड का वार होता है सबसे ज़्यादा लाइक हम देखना चाहते हैं सर को टीवी पे, आप लोग के लिए भी एक और टीवी रहती है घर पे, उस पे आप लोग देखना चाहोगे, तो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी वीकेंड के वार के लिए?
आई थिंक वीकेंड का वार के लिए ही एक्साइटमेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोग वही देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं बिग बॉस में, कि सलमान सर क्या करेंगे, किसके साथ क्या करेंगे। और उनके साथ मेरा एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी है उनके लिए, बिकॉज मैं जब नया नया आया था तो मैंने बिग बॉस का प्रोमो उनके साथ शूट किया था, तो इट्स अ जर्नी फॉर मी कि एक प्रोमो में एक लड़का काम कर रहा था वो आज उनके साथ खड़ा हो गया था कंटेस्टेंट ऑफ द बिग बॉस, तो इट्स अ जर्नी। और वो पहले सेलिब्रिटी थे जिनके साथ मैंने काम किया था, और तो इसलिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनका ऑरा, उनका एटीट्यूड, आई रियली लव लव दैट। और नर्वसनेस ये है कि वो मुझे रोस्ट करेंगे, आई थिंक मुझे ग्रिल करेंगे चीज़ों को, तो क्यों आपको ऐसा उसका लगता है आपको रोज करेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट भी काफी जन को करते हैं सही के साथ, सही गलत के साथ, तो फिर देखो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने जो किया वो सही है, यस लेकिन सामने वाले को नहीं लगता, क्योंकि हर बंदे का एक अपना परसेप्शन होता है। तो कई बार हो सकता है ऐसा कि उनका परसेप्शन मेरी चीज़ को लेके उतना पॉजिटिव ना हो, तो इसलिए मुझे है कि कहीं ना कहीं वो मुझे ग्रिल कर सकते हैं या रोस्ट कर सकते हैं, बट मैं मेक श्योर करूँगा कि वो मेरे फेवर में ही बात करे, जो हर लोग हर कंटेस्टेंट चाहता है, बट यू नो ग्रास इज ऑलवेज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो बस तो कोशिश वही है कि जितना अच्छा जितना रियल रह सके, क्योंकि उनको भी वही लोग पसंद है, तो वही कोशिश है कि वही रह सके। आपकी बात करूँ जो बिग बॉस गया जो वो भी सीजन था उसमें सबसे अच्छा कंटेस्टेंट आपको कौन सा लगता था जितने भी सीजन हुआ आज तक? मैंने ज़्यादा सीज़न तो देखे नहीं ऑनेस्टली, बट मैंने बिग बॉस 30 में आई रियली लाइक सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, शहनाज गिल, क्योंकि ये सब लोग रियल थे, एंड प्रिंस निरूला इफ़ यू सी दैट्स वाई आई थिंक ही वॉन ऑल्सो। और जिसका मैंने प्रोमो किया था उसी सीज़न में प्रिंस निरूला वॉज द विनर, जहाँ तक मुझे मुझे याद है। तो या तो तब से मैंने बोला था यार कि लोग रियल रहते हैं, कि इतना फेक करने के, वो तो हम स्क्रीन पे कर ही लेते हैं जब हम कोई शो करते हैं या वेब करते हैं या फिल्म करते हैं, तो उसमें तो हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, बट यहाँ तो कम से कम अपने आप को प्ले कर सको। इसके अलावा काफी और कंटेस्टेंट की लिस्ट भी सामने आई है, कोई आपके मित्र या फिर कोई आपके जान पहचान वाले कोई है उस लिस्ट में? मैंने निमृत का नाम सुना है, निमृत को आई हैव फ्रेंडशिप विद निमृत, और सुम्बुल के साथ भी मैंने काम किया है, तो सुम्बुल भी दोस्त है मेरी, और मैंने किसी का नाम ज़्यादा सुना नहीं एक्चुअली, तो ये दो तो हैं, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है कि चलो दो दोस्त तो हैं, बाकी जब लिस्ट आएगी तो और कोई ना कोई तो क्या मिलेंगे। उनसे चर्चा हुई कि फोन पे आपने कुछ बात की कि नहीं लाइक नहीं नहीं यार, ऐसा? कोई 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 बात नहीं, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं। अब जो होगा वो अंदर जाके होगा, एंड आई थिंक एवरी वन कम विद अ माइंड सेट, और मैं कोई पहले से कोई स्ट्रैटेजी कोई गेम प्लान नहीं बनाना चाहता। अंदर जाएंगे, जब घर के अंदर एंट्री होगी तो वो जाएंगे और घर की लाइटें बंद करके बाहर निकलेंगे। गौतम, अगर ट्रॉफी तो एक कैसे हार जीत तो होती रहती है, पर गौतम अगर ट्रॉफी के अलावा इस घर से अब जब बाहर निकलोगे कौन सी ऐसी चार चीजें जो लेके निकलोगे आपको क्या लगता है? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा जो फोकस है इस घर से लेके निकलना, वो एक रिकग्निशन है कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ एक्चुअली, लोग मुझे प्यार दें और मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स पीपल विल सपोर्ट मी लव मी जिन्होंने आज तक किया ही है, तो मैंने अपने काम से हमेशा वो लोगों को वो पॉजिटिविटी दी है, तो मेरा बस फोकस यही है कि मैं इस शो से भी उनको दे सकूँ। बाकी अगर मैंने ये सब चीज़ें कर ली तो आई थिंक ट्रॉफी तो बाई डिफ़ॉल्ट मिली यस जाएगी। लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा मैसेज दे, मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार, आज तक आप लोगों ने मुझे 6 साल में बहुत प्यार बहुत सपोर्ट दिया है। मैं कोई एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं है, बट आपके प्यार सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत प्यार मिला है। आपकी वजह से मुझे एक ये नई जर्नी की शुरुआत में करने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, वोट कीजिए जितना हो सके, ताकि मैं आपको एंटरटेन कर सकूँ, आपको ढेर सारा मनोरंजन कर सकूँ आपका, और आपको भी प्राउड हो कि यू आर सपोर्टिंग द राइट पर्सन। थैंक यू, थैंक्स थैंक यू। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पे, और बिग बॉस 16 के इस सीजन का आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कमेंट कर हमें बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो